दफन करके बहुत ही अच्छा लगा। मुरमाना बैठे हुए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसा बहुत कम होता है, पूरा कुंड बैठा हुआ एक साथ ताली बजाते हैं, इतना उत्साह लोगों में। मारवाड़ मीणा समाज की पहचान है और मैं समझता हूँ कि लंबे अरसे बाद में पहले इच्छा थी आने की, मैंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बना आपका आशीर्वाद से, और गौतम बाबा का हुक्म अभी हुआ आने का इंतजार है। पहले भी मुझे कहा गया परंतु आना कोई कारण संभव नहीं होगा। आज जो हुक्म हुआ है इस आश्रम आने का, मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके मौजूदगी के अंदर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छे सुकून के साथ में बैठा हुआ हूँ। यहाँ आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा उसे मुझे अच्छा लगा, आपका प्रेम देख के मैं बहुत ही गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। आप सब जानते हैं पूरा मारवाड़ के अंदर आपकी पहचान है, अलग से पाली हो, झालो हो, सिलोई हो, उतही है, पर जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर तक की पहचान आपकी है। हमारी वीर समाज आदिवासी हो चाहे मीणा समाज हो, एक तो टेस्ट एरिया है जहाँ अरुण बामना जी आते हैं हमारे वहाँ मारवाड़ा से। आश्रम में गया था उदयपुर आदिवासी में गया, दरियावर गया था मैं, आज तो मेरा पूरा दिन ही आदिवासियों में मीणा समाज के समर्पित है। जब से निकला मुख्यमंत्री निवास से तब से मैं मीणा समाज और आदिवासी समाज में ही घूमता फिर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो टेस्ट एरिया है उनको कुछ सुविधा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि भारत सरकार के जो नियम कायदे उसके अकॉर्डिंग वो बना हुआ एरिया है। तो मुझे मालूम है क्षेत्रीय आबादी जो है हमारी जालौर सिरोही पाली और भी कई जिले हैं, राजसमंद भी है, हमारे जोशी जो स्पीकर हैं वो भी क्षेत्रीय आबादी के लोग हैं आदिवासी, उनकी मांग भी करते रहते हैं। हमारे जहन में है कि किस प्रकार से जो क्षेत्रीय आबादी है एक जिले के बाहर की, उनको हम कैसे वहाँ की नौजवान पीढ़ी को, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के आम जनता को किस प्रकार से अधिक से अधिक राह दे सकें, ये जैन में है। प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से क्या रास्ता निकालें जिससे कि आपको भी कम से कम विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका आपको मिल सके। मारवाड़ को लेकर हमने जो बोर्ड बनाया है मारवाड़ आदिवासी समाज का, जोधपुर मुख्यालय रखा है, उन्हें गठन भी हो गया है। मैं अर्जुन बामने से कहना चाहूँगा कि आप बहुत एक्टिव हैं, उनकी मीटिंग बुला के तय करें और समाज के हमारे मौजूद लोग हैं आपके, इन सबको बुला लें वहाँ पर जोधपुर के अंदर जयपुर में, और बैठ के हम लोग कैसे और क्या मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ता तो निकलेगा जिससे कि हम लोग सब मिलकर के आप लोगों के जो मांगे हैं, मुझे कहीं ज्ञापन दिया गया है आपके अध्यक्ष ने, उन पर चर्चा कर पाएंगे और उसी रूप में जो मांगे रखी गई है, मांगे बहुत ही वाजिब हैं। आप नदी आई है बीच में मंदिर के साथ में, पानी आपका अप्रैल में गंगा मैया की तरह निकलता मैंने सुना है, यहाँ पर आपकी आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ पर मुझे ऊपर दिखाया गया मंदिर के हमारे अध्यक्ष जी ने किस प्रकार से मंदिर के पास में नदी है और वहीं पर आप लोग जब कभी आते हैं अप्रैल के अंदर
तो हमारी जो अस्थि हैं उसका विसर्जन भी आप वहीं करते हैं। तो आपके लिए एक ऐसा धाम है जिसका विकास होना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। मैं भी इस बात का बांध रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ। इतने मैं कहना चाहूँगा कि जो एक तो मांग रखी है मेरे सामने किस प्रकार से नदी को पुल बने, आपका पुल बनना जिससे कि पानी बरसात के वक्त में आप लोग मंदिर में आ जा सकें। करीब 20 करोड़ की लागत का जो है एस्टिमेट बना है। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा बजट का अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है बजट का, और अधिवेशन चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस पुल के निर्माण की जो है पूरी तरह में डिपार्टमेंट से पूरा एस्टिमेट पक्का बनवा करके ये नदी पे पुल बनवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहो, आपका आराम हो जाएगा।